अमिताभ जी, बात आपकी सही है। जी जिस हिसाब से इन्होंने वक्तव्य दिया, जो प्रोफेसर साहब है, जिनको कि मैं बिना सींग और बिना पूंछ का बैल मैं बोलूंगा, भले ही वो कितनी डिग्रियां लिए हो, एकदम कटु शब्दों में ये आदमी बिना सींग के और बिना पूंछ का जो अनडवान यानी बैल नहीं, है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, पवन जी को याद होगा, साक्षात पशु पुच्छ पुच्छ विषाण ही ना, इस श्लोक भी है। जी जी विद्या पशु जी समाना। जी मेरे कहने का मतलब, इलेक्शन कमीशन में जितनी पार्टियां बनी हैं, आप जाके देखिए तो जब पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका एक संविधान लिखा जाता है जिसमें कि उनकी गाइडलाइन रहती है कि वो ऐसे कोई असामाजिक बातें या अनर्गल बातें नहीं करेंगे। जिस आत्मविश्वास के साथ ये आदमी बोल रहा है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इसकी शुरुआत कुछ साल पहले राहुल गांधी ने की थी, आज देखिए कांग्रेस ने की थी, आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत है कि राहुल गांधी काग भुसुंडी की तरह एक एक पग नाप रहे हैं, एक एक जमीन नाप रहे हैं और पश्चाताप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुंह से भगवान ना बुलवाए और प्रभु लालू यादव जी को अच्छी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। अपने टॉप लीडर की ये हालत देख रहे हैं, जब वो टॉप पे थे तो उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे बिल्कुल वक्तव्य दिए, धर्म विरुद्ध जाके वक्तव्य दिए। और पिछले 4 सालों से 8 सालों से वो ऐसी कौन सी नारकी सजा है जो पृथ्वी पे स्वर्ग लोक में ना होती हो, जो उनको ना मिली हो, जी कैद उनको नसीब हुई, स्वास्थ्य उनका खराब हुआ, राजनीतिक पूरा पार्टी छिन्न भिन्न हुई, क्या हुआ, सारी चीजें। हमारे कहने का मतलब, प्रभु श्री राम से जिसने वैर लिया, आधुनिक संदर्भ में अगर हम देखें, पहले की तो सब जानते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, जमीन पे आ गई है, पूरा भारत उनको घूमना पड़ रहा है और पश्चाताप के लिए हर भाषण में अब वो राम 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 बोल रहे हैं। ये हालत इनकी भी होने वाली है। ये जो प्रोफेसर साहब है, जो पशु भी समाना जी है, जो आप लोगों ने बोला, तो इंतजार करिए, प्रभु भी न्याय देता जी है। भारत के जनमानस के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया है, मानस के साथ, रामचरित मानस और प्रभु राम के साथ खिलवाड़ किया है, तो इनकी भी उम्र कोई ठीक बहुत बात जल्दी नहीं है। जी। और सठे साक्षम समाचरेत भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मनीष दुष्टों के साथ आ रहे दुष्टों के साथ व्यवहार करना जी, चाहिए। ठीक बात। अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता हम है। इस सवाल में बात करते हैं सर। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। अमिताभ जी, आपने शुरू में जो एक लाइन बोली थी वो बड़ी सही लगी कि भाई हजारों लाखों साल से कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ के या उससे उत्प्रेरित होके कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी भी आदमी ने दूसरे के गर्दन पे तलवार नहीं रखा। लेकिन मुझे लगता है ये जो मंत्री मिनिस्टर हैं, ये खुद साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में ही थे उस वक्त जिन्होंने ये कहा था, ये दंगा कराने पे तुले हुए हैं। इनकी ये कोशिश है कि जो अभी तक लाखों साल में नहीं हुआ वो कैसे हम करवा दें, ये और इनके जैसे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इन्होंने उत्तर भी दे दिया है। देखिए, अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए। समाज में नाना तरह के लोग रहते हैं, इन्हीं तरह के लोगों को बोला गया है कि ऐसे लोगों को विद्या नहीं देना चाहिए क्योंकि ये समाज का नुकसान करेंगे। भाई, पुलिस भी सरकार भी आपको बंदूक का लाइसेंस देती है, उसको पता चल जाए कि ये खुद को मार लेगा या दूसरों को मार लेगा ये विद्या पाने से, ये हथियार या टूल पाने से, तो सरकार भी नहीं देती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जी लोग हैं अपने ओछे राजनीति के लिए और अल्प ज्ञान के लिए, जी पठन पाठन होता है, मनन दूसरी चीज होती है, जी मानस को समझना, राम के चरित्र को समझना इतना आसान नहीं है। ये इन्होंने जिसका नाम लिया कि फलाने ने जो है एक एक किताब जलाई थी, ये उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए यही सब चीजें करके किसी भी तरीके से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना जी चाहते हैं। इससे न मानस का नुकसान जी होगा, न राम का होगा, न समाज का होगा। जी